गर्मियों की छुट्टियां हैं स्कूलों की, तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस कर रहे हैं जिसमें म्यूज़िक शामिल है, लिटरेचर, ड्रामा एंड पेंटिंग। तो ये 3 महीने का हमारा कोर्स है। दोस्तों को और स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ स्कूलों के, कॉलेजों को, सबको इनवाइट किया है। उम्र की कोई कैद नहीं, ताकि वो यहाँ आएँ और यहाँ आके इन चीज़ों में, इन शोबजात में तालीम हासिल करें। ये जो जितनी तालीम इनको दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फीस नहीं है, कोई इसके मुआवजा हम नहीं ले रहे हैं। और जितने हमारे यहाँ सातजा जो पेंटिंग सिखा रहे हैं, अब्बास अली हैं, मैं खुद हूँ, और म्यूज़िक में सईद पारस साहब हैं, नियाज साहब हैं, अनवर साहब हैं, ये सारे सिखा रहे हैं म्यूज़िक में और पेंटिंग में। इसके अलावा प्रोफेसर नज़ीर तबस्सुम हैं और अपनी बुशरा फरुख हैं जो लिटरेचर में सिखा रही हैं, ड्रामा में अजीज़ इजाज़ साहब हैं, पेशावर टीवी के बहुत पुराने मिंजे हुए क्या कहते हैं प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन से रहे, क्या कहते हैं उसको, ड्रामेशा में करते रहे, पीटीवी में बहुत मशहूर प्रोड्यूसर रहे हैं। तो वो लोग आते हैं और इनको आके सिखाते हैं। 2-2 घंटे की क्लास होती है हमारी डेली। तो कोशिश यही है कि जो हमारे नई नस्ल है, नई पौध है जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रही है, कि वो इस तरफ आए और ये सेहतमंदाना जो तफरी है इसको कबूल करें और इसमें अपने आइंदे के मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ करें, ताकि इस सूबे का नाम हो, पता चले कि इतना जिसको सारे पाकिस्तान में बहुत बैकवर्ड सा सूबा जाना जाता है, कि ये लोग भी ये काम कर सकते हैं। बासीन आर्ट्स काउंसिल में हमारे म्यूज़िक के क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बड़ी मेहनत और जदोजहद और कोशिश करनी पड़ती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे फैमिलीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं सीखने के लिए, हाउस वाइफ्स आते हैं, स्कूलों से बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से हम लोगों के पास जाते हैं, उनको दावत देते हैं और उनको यहाँ पे बुलाते हैं। फाइन आर्ट्स के जितने भी शोबे हैं, 4 शोबों में यहाँ पर काम बतलाया जाता है, सिखाया जाता है। तो गायकी के हवाले से मैं यही कहूँगा कि सुर से प्यार करिए मनवा, बेसुर की संगत ना करिए मनवा। मौसीकी के लवर जहाँ पर भी है और जितना कोशिश करना चाहते हैं, यहाँ पर फ्री क्लासेस है हर एक शोबे में। बस इन आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया, ताकि हम स्टूडेंट्स को जो मौसीकी का शौक़ रखते हैं और स्पेशली तबले का, तो उनको सिखा सकें। और मेरी तमाम दर लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो ऐसे लवर्स, म्यूज़िक लवर्स जो तबला और उसके अलावा गायकी या इंस्ट्रूमेंट्स बजाना अगर सीखने का शौक़ रखते हैं, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस दी जाती हैं और एक बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल माहौल में आपको सिखाया जाता है। म्यूज़िक भी है, आर्ट भी है, और उसके साथ साथ अदब है। आपको बता दिया मौसीकी, तो आपको मौसीकी भी है। तो बहरहाल इसमें अगर आप देखें तो हम उम्र की कोई कैद नहीं है। हमने उन लोगों को यहाँ मौका दिया है कि वो सीखें, और हम सबसे बड़ी बात यह है कि किसी किस्म के कोई फ़िलहाल कोई पैसे नहीं ले रहे। तो हम तो बड़े आपको उम्मीद है कि आइंदा भी हमारे लोग जितने भी हैं इसमें
दिलचस्पी का इजहार करेंगे और इन जो हमारे क्लासेस हैं उसमें हमारे साथ शिरकत करेंगे। ये सबसे अच्छी बात यह है कि अब हसीन आर्ट्स काउंसिल ने एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे म्यूसिकी की क्लासेस शुरू की हैं, साथ साथ यहाँ पे आर्ट्स की क्लासेस होती हैं, ड्रामा क्लासेस भी होती हैं, स्कल्पचर क्लासेस भी होती हैं। और मैं अब हसीन आर्ट्स काउंसिल के साथ तकरीबन 51-52 बरस से वाबस्ता हूँ और यहाँ पे हम एक बड़े अरसे तक, यहाँ मैं जब आया था तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वहाँ इस यहाँ पर सीखता था। मेरे उस्ताद थे खालिद मलिक और इनायत अली सुल्तानी साहब, मैंने उनसे क्लासिकल सीखा और यहीं से मैंने 1976 में क्लासिकल में आल पाकिस्तान में मैंने यहाँ पे डिग्री ली PNCA से, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद से। मैं अब हसीन आर्ट काउंसिल से म्यूज़िक एंड ड्रामा क्लासेस ले रही हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टाफ एंड द टीचर्स जो हमें इतनी बेसिक सिखाते हैं और साथ ही साथ बहुत इस तरह का फील करवाते हैं जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं और मज़े से सीख रहे हैं। एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आएँ, एक्सपीरियंस करें इस जगह को, और जो हमारे टीचर्स हैं ये किसी लेजेंड से कम नहीं है। एज ए पेंटर तो मैं बचपन से ही पेंटिंग कर रहा हूँ, तो एज इसमें तो मैंने इस इदारे में हसीन आर्ट्स काउंसिल में ये देखा है कि आप जितना भी काम आपने किया हो लेकिन ये इदारा आपको मज़ीद फ्लोरिश कर देता है। मैंने यहाँ पर काफ़ी चेंजेस देखी अपने काम में, जब से मैंने ये इदारा ज्वाइन किया है मेरे काम में बहुत बेहतरी आई है, जिसको लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। अब हसीन आर्ट्स काउंसिल पेशावर के लोगों के लिए खुशनसीबी है, मेरा तल्लुक भी पेशावर से है और मैं चाहता हूँ कि ये इदारा इंशाल्लाह मज़ीद और भी प्रोग्रेस करे। जी, चूँकि गाना सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था तो यहाँ नश्तर हॉल में अब हसीन म्यूज़िक की क्लासेस हो रही हैं और बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं जो हमें बेसिक सिखाते हैं कि आपने सिंगिंग कैसे करनी है। यहाँ पे और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट से रखा जाता है।